वेल दोस्तों, चालबाजी की भी हद होती है और दामिनी से कहीं ज्यादा तो मोहन की सौतेली माँ कादम्बरी देवी है, क्योंकि राधा ने जो प्रूफ इकट्ठे किए थे कादम्बरी देवी के खिलाफ कि वही असली गुरु माँ है, लेकिन राधा उसे प्रूफ नहीं कर पाती और उल्टा कादम्बरी देवी ही राधा को खरी खोटियां सुना देती है, जिससे सबके सामने तो प्रूफ हो जाता है कि कादम्बरी देवी की कोई गलती नहीं है, वो गुरु माँ नहीं है और वो क्यों अपने बच्चों के साथ ऐसा करेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूँ कि राधा का जो शक है ना वो अभी भी नहीं गया, क्योंकि राधा ने कुछ ऐसा देख लिया है जो उसे बहुत पहले ही देख लेना चाहिए था। तो क्या होता है कि कादम्बरी देवी चुपके से घर से बाहर जाती है और उस औरत को पैसे देती है जो कि नकली गुरु माँ बनकर घर के अंदर आई थी, और ये सब कुछ राधा ने देख लिया। और इस बात से बिल्कुल क्लियर होता है कि गुरु माँ और कोई नहीं बल्कि कादम्बरी देवी ही है, जो कि राधा बहुत ही जल्द एक्सपोज करने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ मोहन के अंदर जो तुलसी है ना, उसका सब्र का बांध टूटता जा रहा है और वो जल्द ही गुस्से में आकर तांडव करने वाली है, जो आपको बहुत ही जल्द देखने को मिलेगा। और गाइस, नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना कि अभी जो सीन चल रहा है ना, वो आपने पहले भी कहीं देखा है कोई मूवी में, कंचना में या फिर अक्षय कुमार की लक्ष्मी मूवी में? जरूर देखा होगा आपने। और बाकी इस तरह के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब, साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।